नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग, अगर आप लोगों के पास इतने सारे नाम दिए हुए हैं और आप लोग इन नामों में जो भी ट्रेनिंग सेशन है वो आप एक ही सेल में लिखना चाहते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से। याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग 2021 एक्सेल के 2021 वर्जन यानी MS Office 2021 और MS Office 365 में ही यूज कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये सारे के सारे नामों के आगे इनके जो ट्रेनिंग्स है वो लिखनी है। जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर काजल नाम है, तो काजल ने एक्सेल में ट्रेनिंग ली है। साथ ही अगर काजल को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं इस रेंज में काजल को एक पावर पॉइंट की भी ट्रेनिंग मिली है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को एक ही सेल के अंदर काजल की जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, जिस जिस जगह पर भी ट्रेनिंग हुई है वो सारी की सारी यहां पर रिफ्लेक्ट करनी है, यही आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर ये काम करते हैं, यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड द यूनिक। यूनिक फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोग को यहां से सिंपली पूरा का पूरा डेटा जो है अपना सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप लोगों का जो डेटा है उसमें से जितने भी यूनिक नाम होंगे, यानी जो भी नाम होंगे वो सारे के सारे वो पिकअप कर लेगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और ट्रेनिंग यहाँ पे साथ में लिखनी है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर सेपरेटली समझना होगा कि क्या हम चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं इफ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इफ फंक्शन में मेरे को लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट मुझे ये करना है कि मेरे को ये जो काजल है यानी यूनिक फंक्शन से जो मैंने निकाला है इस सेल को, मेरे को टेस्ट करना है इक्वल्स टू दिस रेंज में। तो मैंने इस रेंज में इसको टेस्ट करना है और इस रेंज को मैं कर देता हूं फ्रीज F4 के साथ, बिकॉज ये रेंज जो है मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब अगर इस रेंज के साथ ये जो नाम है वो मैच कर जाता है तो मेरे को रिजल्ट कहां से चाहिए, तो कॉमा लगाया और ट्रू वैल्यू जो आप लोग की है वो यहां से चाहिए। अगर आपका ये मैच कर जाता है तो ट्रू वैल्यू आपकी इस रेंज में से आपको निकालनी है। तो अगर आप ये करते हैं, ये रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस रेंज को भी आप फ्रीज कर दीजिए, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए, और कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोग को अगर ट्रू वैल्यू मैच नहीं करती है, तो ट्रू वैल्यू मैच नहीं करती है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक लिख देना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नाम तो आ गए, लेकिन नाम जो आ रहे हैं आप लोग के ये अलग अलग सेल्स में आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं ये नाम जो है एक साथ आए, तो इसके लिए आप लोग को स्पेसिफिकली एक काम करना होगा, यहां पर आप लोग को टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लगाना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। सिंपली आप लोग को एक्सेल का टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यूज करना होगा, 2019, 2021 और 365 वर्जन में मिल जाएगा आप लोग को। तो यहां पर आप लोग को डिलिमिटर के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा स्पेस ये रखना है, यानी आप लोग को जो सेपरेटर लगाना है दोनों के बीच में, यानी एक्सेल और पावर पॉइंट के बीच में, वो कॉमा का सेपरेटर यूज करना है स्पेसिफिकली। ओके, उसके बाद आप यहां पर कॉमा लगाएंगे और बताएंगे कि आप लोग को जो ब्लैंक सेल्स है बीच में, जितने भी ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इनके बीच में ब्लैंक सेल्स भी आ रहे हैं, तो वो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो ट्रू कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी रेंज के अंदर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपने अभी भी दी थी। तो मैंने यहां से ये पूरी की पूरी रेंज जो है सिलेक्ट कर ली है, इसी रेंज में से आपको देना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो है आंसर आपको निकाल कर दे देगा, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं तो सीधी सीधी बात यह है कि टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर आप लोगों को इस जगह पर जो आप ये वाली जगह देख रहे हैं यहां पर आप लोगों को इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेसिकली। तो अगर इस फॉर्मूले को समअप किया जाए यानी एक साथ मिलाया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले को लगाएंगे, तो यहां पर मैंने इसे कर लिया है कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहां पर इसे कर दिया है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर इफ फॉर्मूले को लगाना है, तो मैं इफ फॉर्मूले का जो मैंने यहां पे बनाया हुआ था इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैंने यहां पर ये जो मेरा F2 और हैशटैग लिखा हुआ है इस जगह पर मैंने क्या किया है, इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करिए और आप देखिए आप लोग का आंसर आ चुका है। अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे आंसर्स यहां पर आ चुके हैं। ये बात तो थी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन दोस्तों सवाल तब चेंज हो जाता है जब ये नाम रिपीटेड हो, यानी रिपीटेशन हो, तब क्या होगा। रिपीटेशन इन द सेंस क्या कहना चाह रहा हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अब यहां पर नाम तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो उन्होंने ट्रेनिंग्स हैं एक बार नहीं दो बार ली है। आप देखिए यहां पर
काजल नाम आपको दिखाई दे रहा है, और काजल नाम की जो ट्रेनिंग है यहां पर दिख रही है वो एक्सेल की है, लेकिन काजल की एक ट्रेनिंग दोबारा से एक्सेल की है। तो अब अगर यहां पर ये फॉर्मूला आप पुटअप करेंगे तो यहां पर जो एक्सेल है वो दो बार आ जाएगा, है ना, बेसिकली दो बार आ जाएगा। काजल की तीसरी ट्रेनिंग भी है यहां पर, वो पावर पॉइंट की है। तो काजल जो रिफ्लेक्ट होगा इस फॉर्मूले के साथ वो दो बार रिफ्लेक्ट होगा। तो कैसे इसे ठीक करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले मेरे को यहां पर यूनिक लगाना होगा, और यूनिक लगाकर मैं यहां पे निकाल लेता हूं अपना जो है डेटा। तो यहां पर मैंने यूनिक लगाया, और यूनिक लगाकर इससे मैंने अपना डेटा जो है फाइंड कर लिया। उसके बाद अब मुझे उनका ट्रेनिंग पीरियड निकालना है। तो यहां पर मैं इसी फॉर्मूले को वापस से यूज करता हूं। तो मैंने यहां पर अगर इस फॉर्मूले को यूज किया, आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहां पर इसे कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैंने इसी फॉर्मूले को यहां पर जो है पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर एक्सेल जो है दो बार आ चुका है ना। तो प्रॉब्लम है ये, तो पहले तो इसकी पूरी रेंज ले लेते हैं, क्योंकि रेंज अभी पूरी ली गई नहीं है। तो यहां पर मैं रेंज को पूरा का पूरा कर देता हूं। तो यहां पर मैंने रेंज तो पूरी सही कर दी है, बट प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, जो एक्सेल है वो दो बार आ रहा है। तो बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको इसके केस में सिंपली जो रिपीटिशन आ रहे हैं वो इफ फॉर्मूले के अंदर आ रहे हैं, बेसिकली वहीं पर आपका रिपीटिशन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इफ फॉर्मूले से जस्ट पहले आपको यूनिक लगा देना है, जिससे क्या होगा कि जो इफ फॉर्मूले से वैल्यूज आ रही हैं, एक्सेल दो बार आ रहा है, वो आप लोगों का एक बार हो जाएगा। इधर देखिए, ये मैंने किया यूनिक लगा दिया इफ फॉर्मूले के बाहर, तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो एक ही बार पिकअप करेगा। और अब अगर आप ट्रैक करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सारे आंसर आएंगे, और जितनी भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो भले दो बार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हो, ले रहा हो, बट वो एक ही बार उसे कंसिडर करेगा। अल्टीमेटली अगर आप यूनिक नहीं लगाते तो वो दो बार उसे कंसिडर करता। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग इन सभी इंप्लॉयज का, सभी पर्संस का, जो भी ट्रेनिंग सेशन है, जो भी ट्रेनिंग सेशन इन्होंने अटेंड किया है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।